सर्व सांझी गुरमत प्रचार कमेटी सोलन की तरफ से गुरु नानक देव के 550वें प्रकाश पर्व को समर्पित दूसरा कीर्तन दरबार 1 व 2 जून 2019 को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। इसमें देश विदेश में ख्याति प्राप्त रागी जत्थे संगतों को कीर्तन से निहाल करेंगे। कीर्तन दरबार सब माता जसवंत कौर सब्बरवाल की याद में आयोजित किया जा रहा है। सर्व सांझी गुरमत प्रचार कमेटी के चेयरमैन तलविंदर सिंह सब्बरवाल ने बताया कि कीर्तन दरबार रविवार 2 जून को कपूर कॉम्प्लेक्स नज़दीक पैरागोन होटल सप्रून सोलन में आयोजित किया जाएगा। कीर्तन दरबार सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक चलेगा। इसमें ख्याति प्राप्त रागी चमनजीत सिंह दिल्ली वाले, ए मनप्रीत सिंह कानपुरी, रविंदर सिंह हजूरी रागी, मनिंदर सिंह श्रीनगर वाले, रविंदर हजूरी रागी हरनाम सिंह और हजूरी रागी गगनदीप सिंह संगतों को निहाल करेंगे। इससे पहले शनिवार 1 जून को सोलन में भव्य नगर कीर्तन होगा, जिसकी शुरुआत दोपहर 3 बजे मोहन पार्क सोलन से होगी। नगर कीर्तन माल रोड होते हुए गुरुद्वारा साहिब सपरून तक निकाला जाएगा। चलिए देखते हैं आगे सब्बरवाल ने क्या कहा। सबको बताना चाहते हैं कि सर्व सांझी कमेटी जो सिख समुदाय की एक कमेटी गठित की गई है, जो सारे पहाड़ी इलाके के सब सारे गुरुद्वारों को मिला के एक जॉइंट एसोसिएशन कमेटी बनी गई। 1 तारीख को हमने नगर कीर्तन का आयोजन किया है, जो कि सोलन शहर में होते हुए गुरुद्वारा सप्रून तक ये चलेगा। उस नगर कीर्तन में हमने गतका पार्टी और कई और जो स्कूली बच्चे इन्होंने भी हिस्सा लेना है। और 2 जून को हमने कीर्तन समागम रखाया जो कपूर कॉम्प्लेक्स में है। इसमें सिख समुदाय के माननीय हस्तियाँ काफ़ी आ रही है। इसमें जैसे जत्थेदार साहब है, सिंह साहब ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी, और जत्थेदार ज्ञानी रघुबीर सिंह जी अनंतपुर साहब वाले, और यहाँ के माने हुई हमारी सिख हस्ती SGPC के नेतृत्व करने वाले माननीय भिंडर साहब, इन्होंने शिरकत करनी है। यहाँ इसमें भाई साहब भाई हरनाम सिंह जी, भाई साहब भाई चमनजीत सिंह जी लाल, भाई साहब भाई मनप्रीत सिंह जी कानपुरी जी, और भाई साहब भाई गगनदीप सिंह जी, और भाई भाई देविंदर सिंह जी, भाई मनजिंदर सिंह जी श्रीनगर वाले, इन्होंने कीर्तन नई संगत को निहाल करना है। लंगर अटूट लंगर बरतेगा जी इसमें। अर्थ प्रकाश के लिए सोलन से अमरप्रीत सिंह की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।